हेलो स्टूडेंट्स, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था डीएलईडी सेकेंड ईयर का अभिप्रेरणा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस संपूर्ण वीडियो को एक बार रिवाइज करेंगे और फिर इस वीडियो के महत्व की चर्चा करेंगे कि इसकी महत्व क्या हैं, शिक्षण विधियां क्या हैं, कैसे बालकों में मोटिवेशन उत्पन्न किया जाए, किन किन तत्वों के माध्यम से उत्पन्न किया जाए ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सकता है। हम मुख्य मुख्य तत्वों की बात करेंगे। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति या अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम से भी मानते हैं और मूवर से भी मानते हैं। मोटम का मतलब भी होता है टू मूव, यानी गति करना। टू मूव यानी गति करना, अर्थात विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को गति प्रदान करने वाले तत्व को ही अभिप्रेरणा कहा जाता है। इसके और ये मोटम और मूवर हैं वो लैटिन भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? लैटिन। इस मोटिवेशन की उत्पत्ति भी किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। लेकिन अगर पूछा जाए कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द माना जाता है। अब इसके बाद में आता है कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा में कितने चक्र चलते हैं। तो एक तो चक्रीय चक्र चलता है और एक संज्ञानात्मक चक्र चलता है। चक्रीय चक्र होता है जो हर व्यक्ति के साथ में संचालित होता है, यानी यह जन्म से लेकर जब तक व्यक्ति मरता है उस समय तक इस चक्र की उपस्थिति और क्रियाशीलता बनी रहती है। यह जन्मजात प्रवृत्ति में होता है, इसमें सामान्य संशोधन किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। इस चक्रीय चक्र में मूल तत्व जैसे नीड, ड्राइव, इंसेंटिव या मैं कहूँ आवश्यकता, दूसरे का आता है चालक, तीसरे का आता है प्रोत्साहन। लेकिन इसमें और भी आते हैं। आवश्यकता के बाद में एक मुख्य रूप से शब्द उद्वेलन लिया जाता है, फिर चालक आता है, चालक के बाद में लक्ष्य आधारित या प्रोत्साहन आधारित व्यवहार होता है, फिर प्रोत्साहन होता है और फिर संतुष्टि होती है। अगर इस प्रकार का चक्र संचालित होता है तो इसे चक्रीय चक्र कहते हैं। जैसे भोजन की कमी होने पर भूख नामक तत्व की उपस्थिति होना और भोजन को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति द्वारा व्यवहार करके किचन में जाकर भोजन ग्रहण करना, ये चक्रीय चक्र के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर विशेष प्रकार के पकवान खाने की इच्छा प्रकट करना भूख न होने पर भी तो वह क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक चक्र में शामिल किया जाता है। इसके बाद में हमने अभिप्रेरणा के विभिन्न प्रकार के प्रेरक सिद्धांत पढ़े थे। एक बार मैं उनके नाम और सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर पुनः कर लेता हूँ। तो हमने अब जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़े थे उसमें एक था उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसमें दिया था मैक फिनलैंड, दूसरा समंधन अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसको दिया था कारपेंटर स्क्रिप्टर ने, जो तीसरा दिया था वो सत्ता अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसे दिया था एडलर ने, चौथा था वो था अनुमोदन या प्रशंसा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसे दिया था मार्ले क्राउनी,
इसके बाद में बात करते हैं तो आता है मनो विश्लेषण वाद का सिद्धांत, जिसे दिया था फ्रॉइड मोदे ने, 36वां है चालक न्यूनता का सिद्धांत, जिसे दिया था सी एल हल ने। इसके बाद में हम 7वां देखते हैं उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, व्यवहारवादी या थॉर्नडाइक को माना जाता है। इसके बाद में हम आवश्यकता पदानुक्रमिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इब्राहिम मास्लो, जिसने 1954 में यह सिद्धांत दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं दल बदल, या मैं कहूँ क्षेत्र अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जो देने वाला व्यक्ति था कुर्ट लेविन। इसके बाद में 10वां, जो हम कहें शारीरिक गतिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जिसको देने वाला व्यक्ति था सेल्डन व विलियम जेम्स। इसके बाद में हम बात करें स्वास्थ्य का सिद्धांत, हर्ज़बर्ग। इसके बाद में करें मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो विलियम मैकडूगल ने दिया था। तो ये सिद्धांत हैं, लगभग 12-13 सिद्धांत हैं, जिनको प्रत्येक सिद्धांत को मैं अच्छे से पढ़ा है, और इन सिद्धांतों का आपको मूल रूप से तैयार करके प्रस्तुत करना है। इनमें से DLED सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आते हैं, RPSC व रिट में भी क्वेश्चन आते हैं। इन पहली स्तर पर आपको यही करना है कि इन सिद्धांतों के नाम रटने हैं और इन सिद्धांतों के प्रतिपादक रटने हैं। बाकी आगे की जो प्रोसेसिंग है वो ज़्यादातर आपको इन्हीं सिद्धांतों के अंतर्गत देखने को मिलेगी। इसके बाद में हमने अभिप्रेरणा के जो प्रेरक हैं, अभिप्रेरणा का चौथा तत्व था जिसे प्रेरक कहते हैं, उसकी चर्चा की थी। अब मैं कहूँ प्रेरक किसे कहते हैं, तो प्रेरक की चर्चा की जाए तो शरीर की वह आंतरिक दशा जो व्यक्ति को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। शरीर की वह आंतरिक दशा जो व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रेरक कहा जाता है। प्रेरक के अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बात कही है। सामान्य रूप से हम बात करें तो इब्राहिम मास्लो हैं, एक तो उन्होंने दो प्रकार का बताया, एक जन्मजात और दूसरा अर्जित। दूसरा थॉमसन हैं, थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम बताया, थॉमसन ने स्वाभाविक व कृत्रिम बताया। वहीं बात करें गैरेट की, तो गैरेट ने 3 प्रकार बताए, पहला जैविक या देहिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक और तीसरा सामाजिक। यहाँ तक विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेकिन इसके बाद में अगर हम बात करें वुडवर्थ ने, तो वुडवर्थ ने भी 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं। किसने, वुडवर्थ ने 3 प्रकार के प्रेरक बताए हैं, जिनमें हम बात करें, पहला शारीरिक आवश्यकता के प्रेरक,
शारीरिक आवश्यकता के प्रेरक है। दूसरा है आपातकालीन परिस्थिति के प्रेरक है। और चौथा है वस्तु विषय के प्रेरक है। कौन सा है? वस्तु विषय के प्रेरक। देखो, पहला है शारीरिक आवश्यकता के प्रेरक, यानी वे प्रेरक है जो व्यक्ति के शरीर की पूर्ति करते हैं, उन्हें शारीरिक आवश्यकता के प्रेरक कहा जाता है। जैसे भूख, प्यास, काम, निंद्रा, ये शारीरिक आवश्यकता वाले प्रेरक कहलाते हैं। इनके बिना व्यक्ति का जीवन जीना बहुत ही दुर्भर है, व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। दूसरा, आपातकालीय वातावरण की परिस्थिति के अनुसार क्रिया की मांग की जाती है, वो आपातकालीय प्रेरक कहलाते हैं। यानी वातावरण की जैसी जैसी डिमांड होती है उसके अनुसार व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, वे प्रेरक कौन से कहलाते हैं? आपातकालीय प्रेरक कहलाते हैं। यानी वातावरण की डिमांड के अनुसार व्यक्ति जब कार्य करता है तो वह आपातकालीय प्रेरक कहलाता है। तीसरा है वस्तु विषयक प्रेरक। वस्तु विषयक प्रेरक एक ऐसा प्रेरक है, इसका उद्देश्य वातावरण की वस्तु के साथ प्रभावपूर्ण संबंध बनाना है। वस्तु विषयक प्रेरक वातावरण में उपस्थित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाले प्रेरकों को वस्तु विषयक प्रेरक कहा जाता है। तो ये चार तीन प्रकार हैं जो वुडवर्थ ने बताई। पहला शारीरिक आवश्यकता के प्रेरक हैं, दूसरा आपातकालीन प्रेरक हैं, तीसरा वस्तु विषयक प्रेरक है। वस्तु विषयक प्रेरक, ये तीन प्रकार के प्रेरक इन्होंने बताए हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रेरकों का उपयोग, कि जो ये प्रेरक हैं इनका क्या महत्व है, क्यों प्रेरक जीवन में आवश्यक हैं। तो देखो, सबसे बड़ा प्रेरक का उपयोग है या अभिप्रेरणा का महत्व की बात की जाए तो, अब हेडिंग डालो आप, अभिप्रेरणा का महत्व है। अब यहाँ बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, तो पहला तो महत्व यही है कि विषय वस्तु में बालक की रुचि उत्पन्न की जाए। बालक की जैसी भी विषय वस्तु है, अगर बालक उसमें नर्वस है तो उसकी उस विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करके उसे ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सके। आप किसी भी रूप में बालक में रुचि उत्पन्न की जाए, उत्पन्न करके पढ़ाना ही अभिप्रेरणा का तत्व माना जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ध्यान केंद्रित करना। कैसा? ध्यान केंद्रित करने में अभिप्रेरणा बालकों को विषय वस्तु में विशेष प्रकार से ध्यान केंद्रित करने में सहयोग प्रदान करती है। कि बालक कैसे कार्य करेगा, बालक कैसे पढ़ेगा, विषय वस्तु को पढ़ रहा है लेकिन पढ़ने में उसकी अच्छी रुचि नहीं है, उसका ध्यान नहीं है, तो उस ध्यान को कैसे उत्पन्न किया जाए, उसमें भी क्या है? अभिप्रेरणा सहायक है। उसमें भी प्रेरणा क्या है? सहायक है। दूसरा, अभिप्रेरणा व्यक्ति के जीवन में अनुशासन स्थापित करने में, करने में सहायक है। अनुशासन जीवन में, जैसे हम बात करें कि हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उन कार्यों में हमारी रुचियां कम होती हैं, तो रुचि उत्पन्न करने के बाद उसे कैसे अप्लाई किया जाए? रुचि उत्पन्न होगी फिर भी हम जब चाहे कर रहे हैं नहीं, उसे एक सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को संपन्न करें और फिर उस कार्य को पूर्णता की ओर आगे देकर आगे बढ़ते हैं तो वह कार्य संपन्न होता है, तो उससे जीवन में अनुशासन की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसके बाद में हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति व कार्यों में निरंतरता व तीव्रता बनाए रखने में। विभिन्न प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्ति में कार्य में
निरंतरता बनाए रखने में, ज्ञान प्राप्ति में, कार्यों में निरंतरता बनाए रखने में सहायक है। इसके बाद में अगर हम बात कही जाए तो वह है चरित्र निर्माण में सहायक है, सामाजिक व मानसिक गुणों में सहायक है। किसमें? चरित्र निर्माण में। सामाजिक व मानसिक क्रियाकलापों के विकास में भी क्या है? सहायक है। यानी चरित्र व्यक्ति के जीवन में अगर हम चरित्र उसका न्यून है, जीवन कौशल की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो हम उच्च आदर्श के रूप में उसके सामने प्रस्तुत होकर और व्यक्तित्व के महत्व के बारे में बताकर उसमें रुचि उत्पन्न की जा सकती है, ताकि उसका एक अच्छा चरित्र बन सके, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके। सामाजिक और मानसिक गुणों में समाज में बालक को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, समाज से जोड़ा जाए, समाज की क्रियाविधियों से जोड़ा जाए, ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा उन कार्यों को सीख पाएगा। वह मानसिक विकास, विभिन्न प्रकार के कार्यों को बालक करता है और उन कार्यों में वह थोड़ा बहुत नर्वस दिखाई देता है, तो हमें बालक को उन कार्यों को करने के लिए एक स्पेशल प्रकार से उसे मोटिवेट करना होगा, ताकि बालक अपने आप को उच्च स्तरीय क्रियाकलापों में पहुंचा सके। ये है अभिप्रेरणा के महत्व। अगर इसके बाद में भी हम कुछ छोटे मोटे महत्व की बात और करें तो वे हैं, संवेगों को उचित दिशा प्रदान करने में सहायक है, बाल व्यवहार को परिवर्तित करने में सहायक है, अर्थात संवेगों को उचित दिशा प्रदान करने में, बाल व्यवहार को सही दिशा की ओर आगे बढ़ाने में, किसी उद्देश्य को अचीव करने के बाद में या किसी अचीव करने के बाद में नेक्स्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक है, या खेलों को खेलों में गति प्रदान करने में सहायक है। बालक के उद्देश्य अचीव नहीं कर पा रहा, निर्धारित नहीं कर पा रहा, तो उनको निर्धारित करवाने भी यह सिद्धांत क्या है? सहायक है। तो ये आज हमारा क्लियर होता है अभिप्रेरणा का टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट को लेकर इसी सब्जेक्ट के लिए हम मिलेंगे। आज तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।